हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स क्रैक नीट में। मैं हूं विशाल शुक्ला और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे आगे की क्लास को। इससे पहले की वीडियो में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, उन्हीं के कुछ टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेल थ्योरी से रिलेटेड तीन टॉपिक्स, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ऑब्जेक्शन टू सेल थ्योरी, इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर वन से, जो कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी में चार पॉइंट्स गिवन हैं। सेल थ्योरी को समझने के लिए ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है, ऑर्गेनिजम्स आर कम्पोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मीन्स जीव, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने होते हैं। मतलब कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी जीव हो, वो कोशिकाओं से ही बना होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर टू, इच सेल्स इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ न्यूक्लियस इन इट्स इनसाइड एंड इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स प्रत्येक कोशिका प्रोटोप्लाज्म के एक छोटे से द्रव्यमान से बनी होती हैं, जिसके अंदर एक नाभिक होता है और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में समझें तो कोई भी कोशिका हो, वो प्रोटोप्लाज्म के छोटे, मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है, चाहे वह छोटी सी मात्रा में ही क्यों ना हो। कोशिका के अंदर एक नाभिक भी उपस्थित होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ होता है। मतलब जीव कोशिका से बने होते हैं और कोशिका प्रोटोप्लाज्म से बनी होती हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस, एक नाभिक होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्लेडिन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि नई सेल्स की उत्पत्ति कैसे होती। रुडोल्फ विर्चो ने हमें बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होती हैं। नेक्स्ट, ऑल सेल्स बेसिकली अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। मीन्स सभी कोशिकाएं, अगर हम बात करें समानता की, तो सभी कोशिकाएं अपने रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान से मूल रूप से समान होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, एक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट सेल्स। मीन्स किसी जीव की सक्रिय गतिविधि उसकी गठित कोशिकाओं की गतिविधियों और परस्पर क्रियाओं का योग है। देखिए, कोई भी कोशिका है, कोई भी जीव है, उसकी गतिविधि जो वो करता है वो कोशिकाओं की गतिविधियों और परस्पर क्रियाओं का ही योग होता है। मतलब किसी भी जीव की कोशिका में अगर कोई भी गतिविधि होती है तो वो गतिविधि उस जीव में भी दिखाई देगी। ये थे फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी से जुड़े चार छोटे छोटे पॉइंट्स जिन्हें हमने कवर किया। अब बारी है टॉपिक नंबर टू, मॉडर्न सेल थ्योरी की। चलिए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट मॉडर्न सेल थ्योरी में कुछ और बातें ऐड की गई थी जो सेल थ्योरी को पूरा कंप्लीट करती हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है, बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जो कि फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी से बिल्कुल सिमिलर हैं। मतलब कोई भी जीव, जीव के शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से बने होते हैं। पॉइंट नंबर टू, सेल्स आर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉडर्न सेल थ्योरी में बताया गया कि कोशिकाएँ जीवों के शरीर में संरचना की इकाइयाँ होती हैं। पॉइंट नंबर थ्री, इच सेल्स इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड अ कवरिंग मेम्ब्रेन।
इस पॉइंट को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इस पॉइंट में भी बताया गया कि प्रत्येक कोशिका प्रोटोप्लाज्म के एक छोटे से द्रव्यमान से बनी होती जिसमें नाभिक होता है। बट इस पॉइंट में एक और बात ऐड की गई कि सेल्स यानी कि कोशिकाओं में ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं और एक आवरण झिल्ली होती है। हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में और भी जानेंगे। पॉइंट नंबर 4, इसमें बताया गया व्हाइल अ सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली द सेल ऑर्गेनल्स कैन नॉट डू सो। मतलब एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है जबकि कोशिकांग ऐसा नहीं कर सकते। हम नॉर्मल भाषा में समझें, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव है, हम उसकी सेल्स को निकालते हैं और एग्जामिन करते हैं तो वो सेल्स स्वतंत्र रूप से जीवित रहती हैं, जबकि कोशिकांग सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जीवित नहीं रह सकते। मतलब ये ऑर्गेनल्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सेल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म आर फंडामेंटली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। मॉडर्न सेल थ्योरी के इस टॉपिक में हमें बताया कि विभिन्न जीवों या एक ही जीव के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कोशिकाएं उनकी संरचना और रासायनिक संरचना एवं मेटाबॉलिज्म में समान होती हैं। मतलब कि आप अलग अलग जीवों के सेल्स या एक ही जीव के बॉडी के अलग अलग पार्ट से सेल्स निकालते हैं और उन्हें एग्जामिन करते हैं तो वो सभी सेल्स फंडामेंटली सिमिलर होती हैं। मतलब उनकी संरचना, रासायनिक संरचना और मेटाबॉलिज्म में कई हद तक समानता होती है। ये सारी सेल्स सिमिलैरिटी दर्शाती हैं। इस पॉइंट में मेटाबॉलिज्म का भी जिक्र किया गया है, तो चलिए जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की शॉर्ट डेफिनेशन जानते हैं। अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अक्यूरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मीन्स एक जीवित जीव में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक सेट मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एक जीवित जीव है जो जीवित है, उसके शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का एक सेट, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिसमें विखंडन भी होता है और संलयन भी, उन प्रतिक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होती हैं, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एंड एनाबॉलिज्म्स आर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन अक्यूरिंग इन आवर बॉडी। मतलब मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक होती हैं कैटाबॉलिज्म जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस विखंडन प्रक्रियाएं होती हैं, दूसरी एनाबॉलिज्म जो कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस मतलब संलयन की क्रियाएं होती हैं। शरीर में होने वाली इन दोनों क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म नाम दिया गया है। पॉइंट नंबर 6, सेल्स गेट्स मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम्पल इलोंगेशन इन मसल्स एंड नर्व्स। मीन्स कोशिकाएं विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर संशोधित होती हैं, मतलब मॉडिफाइड होती हैं। उदाहरण के लिए मांसपेशियों और नसों में बढ़ाव, मतलब एक कोशिका अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नर्व सेल्स होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं। एक नर्व सेल आपके पैरों के अंगूठे से लेकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जितनी बड़ी हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 7, सेल्स शो होमियोस्टेसिस। एक कोशिका होमियोस्टेसिस दिखाती है। होमियोस्टेसिस की अगर हम बात करें तो होमियोस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, निरंतर आंतरिक वातावरण का रखरखाव, जो कि कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। कोशिकाओं में बहुत से कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनका रखरखाव कोशिका कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड द सेल। मॉडर्न सेल थ्योरी के इस पॉइंट में हमें बताया गया कि अनुवांशिक सामग्री किसी भी जीव का जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए को कोशिका के अंदर संग्रहित और व्यक्त किया जाता है।
मतलब किसी भी जीव का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उस जीव के कोशिका में उपस्थित होता है, कोशिका के न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, मॉडर्न सेल थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। मतलब जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कोशिकाओं के रूप में गुजरता है। अगर हम इसे समझें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जब रिप्रोडक्शन या मियोसिस होता है तो उसके थ्रू ही नई जनरेशन बनती है। तो जब रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो सबसे पहले उसमें जायगोट एक सेल होती है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बात करें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स की तो उसमें भी मियोसिस, माइटोसिस सारी प्रोसेस होती हैं। उसके बाद में उनका जो रेप्लिकेशन उसके थ्रू एक नई सेल्स बनती है और उस नई सेल्स से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। सो दैट्स व्हाई कॉल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक नई कोशिका से एक नया जीवन प्रारंभ होता है। मॉडर्न सेल थ्योरी का टॉपिक नंबर 10, ग्रोथ ऑन एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स सेल्स। मतलब किसी जीव की वृद्धि में उसकी कोशिकाओं की वृद्धि और गुणन दोनों शामिल होते हैं। जब तक सेल्स डिवाइड नहीं होंगी, जब तक सेल्स में इंक्रीजमेंट नहीं होगा, तब तक जीव में भी कोई वृद्धि नहीं होती है। जब सेल्स ग्रो करेंगी, मतलब सेल्स में वृद्धि होगी, जब सेल्स गुणन करेंगी, तभी जीव में भी वृद्धि होती है। ये बात मॉडर्न सेल थ्योरी द्वारा बताई गई। सो ये थे मॉडर्न सेल थ्योरी से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। आपकी स्क्रीन पे ये डॉक्टर दिख रहे हैं, इनका नाम है फुनसुक वांगडू। इन्होंने सेल थ्योरी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, तो जान लेते हैं उन ऑब्जेक्शंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक नंबर 3, ऑब्जेक्शन टू सेल थ्योरी। इस टॉपिक का पहला पॉइंट है, वायरसेस डू नॉट हैव एनी सेल मशीनरी येट दे आर कंसीडरेड टू बी एन ऑर्गेनिजम्स। मतलब वायरस में कोई भी सेल मशीनरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्हें एक जीव माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की कड़ी भी माने जाते हैं, क्योंकि जब तक ये लिविंग थिंग में होते हैं तब तक ये अपनी ग्रोथ करते हैं, और अगर ये उस ऑर्गेनिज्म से बाहर आते हैं तो ग्रो करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन सम ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेल्स एंड दिस मैनी हैव न्यूमरस न्यूक्लियाई, एग्जाम्पल राइजोपस। मतलब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं में विभेदित नहीं होता, और इनमें से कई में तो बहुत सारे नाभिक होते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस, राइजोपस एक ऐसा जीव है जिसका शरीर कोशिकाओं में विभेदित नहीं होता, और उसके शरीर में मतलब वो एक सेल्स जैसा ही उसकी बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे नाभिक पाए जाते हैं एक ही सेल्स में। तो चलिए राइजोपस को थोड़ा समझ लेते हैं कि राइजोपस दिखता कैसा है और क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये है राइजोपस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे नाभिक हैं, लेकिन सेल एक ही है। ये देखिए माइक्रोस्कोप से, बहुत सारे न्यूक्लियस। राइजोपस की सबसे क्लियर इमेज आपकी स्क्रीन पर। जो राइजोपस होता है वो चमड़े मतलब लेदर पर, राइजोपस वैसे तो एक फफूंद होता है, जैसा कि आप जानते हैं जो फफूंद होती है वो बारिश में लेदर पर मिलती है आपको देखने को, तो राइजोपस लेदर पर, कुछ ब्रेड पर, जेली पर, सिरप, मतलब इन सब चीज़ों पर आपको देखने को मिल जाता है। जिस फफूंद को आप देखते हैं वो अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इसी तरह की दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
बैक्टीरिया डू नॉट पोसेस न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एबसेंट। सेल थ्योरी ऑब्जेक्शन में एक और बात सामने आई जो था कि जीवाणुओं में केंद्रक नहीं होता, अंगक भी अनुपस्थित होते हैं। मतलब बैक्टीरिया में कोई भी केंद्रक नहीं होता है और इनमें सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि आपके आसपास सभी जगहों पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया में कैप्सूल होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होता है फ्लैजिला बैक्टीरिया में। लेकिन इसमें आपको कहीं भी न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस नहीं है। और इसी के साथ साथ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकांड्रिया वगैरह, ये सब भी आपको बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता। ऑब्जेक्शन नंबर 4, प्रोटोप्लाज्म इज प्रेस्ड बाय नॉन लिविंग मटेरियल्स इन द सरफेस सेल ऑफ स्किन। मींस त्वचा की सतह कोशिकाओं में जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का स्थान निर्जीव पदार्थों द्वारा ले लिया जाता है। इस ऑब्जेक्शन में हमें ये बताया गया कि हमारी जो स्किन होती हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म की जगह पर कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स उपस्थित होते हैं। सेल थ्योरी में बताया गया था कि प्रत्येक सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म की जगह पर कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं। इसी वजह से ये पॉइंट एक ऑब्जेक्शन साबित हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंट्रासेल्युलर मटेरियल और मैट्रिक्स इन विच द लिविंग सेल्स आर एम्बेडेड। मींस यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज में चार तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। दे आर कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज, नर्व टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज। इस पॉइंट में हमें बताया गया कि संयोजी ऊतक में बहुत अधिक अंतरकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स होता है जिसमें जीवित कोशिकाएं अंतर्निहित होती हैं। तो ये थे डॉक्टर फुनसुक वांगड़ू के कुछ ऑब्जेक्शन जो सेल थ्योरी के ऊपर थे, जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, सेल साइज और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।